अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए आज जो कल का हादसा हुआ उसके बारे में हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय गुंटवाल। आइए कल की तफसील हम उनसे मालूम। कल के दिन जो है मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वजा वो डाल के सोशल मीडिया में जो 20 वर्ष का चोकरा जो वायरल किया है उसके जानिब से कल रात में इधर दंगा हुआ है। ये जो लोग है जो बीजेपी हो आरएसएस हो यहाँ हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं आपस में। यहाँ भाईचारे से जो लोग जी रहे हैं इसको ये लोग बंद करना चाहते हैं। उपली धारवाड़ कभी भी अमन सुकून के लिए नाम है इसका, लेकिन जो कल रात में जो दंगा हुआ है वो ठीक बात नहीं है। लेकिन जो पुलिसों ने गिरफ्तार किया है जो लोग गलती किया है उनको गिरफ्तार करके उसको उनके ऊपर कानून कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग अमायक है जिन लोगों का कुछ भी गलती नहीं है उनको भी पकड़ के लेके गए हैं, उनको छोड़ना चाहिए। और जो लोग गलती किया है उनको ऊपर कानून क्रमा होना चाहिए। और ये जो भड़काऊ भाषण जो कर्नाटक राज्य में दे रहे हैं ऐसे लोगों को अरेस्ट करके कर्नाटक राज्य से उनको गड़ी पार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम यहाँ एकता से रह रहे हैं, सदियों से यहाँ भाईचारे से रहने वाले लोगों में अब जो इलेक्शन आने वाला है अभी ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के बातों में लोग ना आए और यहाँ अमन कायम हो। हिंदू मुस्लिम उनका शांति सभे करके पुलिस इलाके जो है सख्त कार्रवाई करे और ऐसे आइंदा होने के लिए ना दे करके हम आज आपके तरफ से बोल रहे हैं। सर ये भी देखा गया कि नाहक जो लोग सफरे गए उनके लिए क्या ऑप्शन है अभी उनको निकालने का बाहर? अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, उनको मनवी दे रहे हैं कि जो लोग गलती किए उनको ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग घर में थे जो काम पे थे वैसे लोगों को भी लेके जाके उनको भी इस केस में फिट किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसलिए छानबीन करके जो लोग गलती किया है उनको आप कानून कार्रवाई करें और जो लोग गलती नहीं करे उनको आप खुलासा करें करके हम आज ये बोल रहे हैं। सर यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम सब लोग आपको देख रहे हैं तो आप क्या पैगाम देंगे अमन अमान का? सर हिंदू और मुस्लिम सदियों से यहाँ भाईचारे से रह रहे हैं, यहाँ आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन क्या ये जो ये फिरका परस जो लोग है वो लोग यहाँ अमन को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो चुनाव आ रहे हैं अभी ये लोग हिंदू मुस्लिम का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत होशियार है, यहाँ के लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है बल्कि सब लोग मिल के यहाँ पे जी रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे से रहना चाहिए और गवर्नमेंट जो है एक उबली में शांति सभे करके जो धारवाड़ में हुआ था नुग्गीकेरी में और कल जो उबली में हुआ है इसके खिलाफ कार्रवाई करे और जो जो लोग इसमें नहीं है उनको भी जो पकड़े हैं उनको रिलीज करने के लिए हम लोग आज वताई कर रहे हैं। डॉक्टर विजय गुंटराल, AIMIM डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी। काम पर गया सलाह ने 6 बजे काम पर गया सलाह हमें काम पर गया कर समझे उन्हें आए सोचे बाद मोबाइल में देखो ऐसा करें कर बोली सीधर भाग के हमें कैसा मालूम उनको ले गए वो मोबाइल में देखे सो अभी मोबाइल में देखे हाथ में डब्बे है तो मालूम पड़ता कि नहीं बोलो डब्बे भी हाथ में इनके। वो कितने बजे? 6 बजे काम पर जाता हूँ 6 बजे गया सो मालूम ही पड़ा नहीं हमने काम पर गए कर समझे बाद 12 बजे के बाद मालूम पड़ा। काम करता तुम्हारा बेटा कहीं काम करता? नहीं सेंट्रिंग का काम करता उबली में उबली में करता। कितने 25 30 पर 3 है। उनका घर है जन्नत नगर ओल्ड उबली में है, मैं उनकी बीवी बात कर रहा हूँ सर। उन्होंने सुबह 6 बजे काम जाते बोल को गए हमें काम को गए कर कुछ मालूम काम को गए कर कुछ समझे सो अभी 12 बजे तक भी कॉल करे तो कॉल रिसीव कर रहे नहीं थे। उसके वजह से बाद में वीडियोस में देखो हमने मालूम पड़ा कि इन्होंने ऐसा लीक गए बोल को जो उनकी गलती नहीं है तो उनको गलती दे सजा दे को क्या फ़ायदा है उन्होंने आए भी नहीं उन्होंने करे भी नहीं।
सुबह में सेंटरिंग काम के वास्ते निकले। हम सुबह काम को गया था, कल शाम को मैं फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री वेल्डिंग का, मैं इसमें काम को जाता हूँ, उसमें नमाज कर रोजा खोलना बोलो को इधर आया था दरगाह को, दरगाह का शाम में बाद में उन्हें रोजा की जा खोल के बाद नमाज सला ले को घर घर जाने में ये सब धांधल हुआ। इधर धांधल हुए के बाद में उन्हें उसकी बाइक थी, बाइक ले कर आना बोले तो उसको डर को उन्हें नाट को घर तर पाक छोड़ा। घर के आए के बाद में सुबह आको गाड़ी टेर मेरे बोल को गाड़ी लेने आया सुबह में मैंने, वो गाड़ी लेने आए टाइम में उसको पकड़ को इधर अंदर डाले उसको। सुबह 7 बजे 7:30 बजे इतना टाइम होगा, 10:30 बजे 10:30 बजे मालूम पड़ा हो। बाद में वो मोबाइल में उनको गाड़ी में लेकर जाने का वो देखे के बाद में हमारे बड़े भैया की जरूर वो मोबाइल में देखो ये ऐसा वो आसिफ उधर SM चढ़ रहा करको हमना मालूम पड़ा। जब उन्हें फ़ोन करको हमना समझे जमदान में सब हमें भाई बंधु वहाँ आजू बाजू चढ़ रहे हैं ऐसा आसिफ कहाँ गया कर ऐसा पूछने के बाद में ऐसा सवा करने के बाद में जब मालूम पड़ने में जब इधर आया हमें अंचितगिरी यहाँ वाले उबली में अंचितगिरी शरीफ। फ्रीडम न्यूज हुबली कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट होटल्स चिकन शॉप ज्वेलरी शॉप ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट 9844509978 कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज योर बिजनेस।